नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कपकपाती ठंड में भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बीती मंगलवार रात को छात्र संगठन SFI के बैनर तले स्टूडेंट कैंपस में धरने पर डटे रहे। 24 घंटे के सांकेतिक धरने के माध्यम से प्रदर्शन छात्र प्रशासन को सख्त संदेश देना चाह रहे हैं। आज स्टूडेंट फिर से कैंपस में प्रदर्शन करेंगे। छात्र संगठन SFI ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाया कि BSc फर्स्ट ईयर के गलत रिजल्ट से 80% छात्रों का करियर बर्बाद हो रहा है। कमेटी गठन का वादा करके यूनिवर्सिटी से पूरा स्टाफ ही गायब हो गया। यूनिवर्सिटी में ना तो COE है और ना ही दूसरे मुख्य अधिकारी। यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर कोई हल नहीं निकलता तो छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेंगे। HPU कैंपस में छात्रों संगठनों ने धरना प्रदर्शन करके यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के भीतर यूनिवर्सिटी मामले में उचित कार्यवाही नहीं करती तो परिणाम के लिए तैयार रहें। छात्र संगठन यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए हड़ताल करने व अन्य प्रदर्शन भी होंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीते सोमवार को BSc व BCom का रिजल्ट घोषित किया गया। इसमें करीब 80% छात्र फेल हो गए। इसके अलावा साइंस स्ट्रीम के छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं। इसी के चलते अब विवि कैंपस में प्रदर्शन हो रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।